हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। तो रिसेंटली अभी हमने एक वॉशिंग मशीन परचेज़ की है IFB की, और मेरे लिए भी काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे पहले पुरानी वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, वो भी 15 साल पुरानी। तो वो अचानक से ख़राब हो गई थी, और थोड़ा लगा कि चेंज करना चाहिए, क्योंकि मम्मी भी अब कपड़े धो नहीं पाती, तो काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें, और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद हमें IFB का ये मॉडल काफ़ी सही लगा, काफ़ी पसंद आया। तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि मुझे भी ऑटोमेटिक मशीन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने ये डेमो देने वाले जो भैया आए थे, तो मैंने इनका रिकॉर्ड करा ये, ताकि मुझे भी सब बाद में देख सकूँ मैं, जो मुझे यूज़ करना ना है। तो मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल होगा, तो इसलिए मैंने ये प्री वॉश के लिए हो गया। अगर कभी बहुत ज्यादा गंदे कपड़े हो गए तो प्री वॉश के लिए यहाँ पे भी डालना। बिल्कुल, जो अभी हमने कपड़े डाले, जैसे अभी मैंने डाले, देखो इसमें दो हाथ का गैप मेरे को मिल रहा है। तो हमने अभी दो हाथ का गैप बिल्कुल ठीक है। कपड़े ला के एकदम से बिल्कुल नहीं ठूसने, एक एक करके डालने, खोल के अच्छे से। कपड़े धोने के बाद इसको सूखे कपड़े से साफ भी करना है, अच्छे से क्लीन भी करना है, ऐसे कपड़ा मार देना है हर बार। हाँ, कपड़े वॉश हुए तुरंत सूखे कपड़े से सफाई करना है, क्योंकि अगर इसमें आप इसकी सफाई नहीं करोगे, एक तो कपड़ों की गंदगी और दूसरा पानी का कैल्शियम इसमें जाके जम जाएगा। अच्छा, इस चीज की ये वाले जो रबड़ है, इसकी वारंटी नहीं मिलती ना हमें? ना, इसकी वारंटी नहीं मिलती, इसकी वारंटी भी नहीं मिलती है, इसकी भी वारंटी नहीं मिलती है। अगर तो फिजिकल टूट गया तो इसकी वारंटी नहीं मिलती। ये रिप्लेस, ये दोबारा से वो हो जाता है? खराब होते हैं लोगों के, हाँ? ये लोगों के खराब होते हैं? खराब होते हैं सर, लोगों के बहुत खराब होते हैं। अब देखो सर क्या होता है, देहरादून में कैल्शियम ही इतना है, बंदा एवरी वॉश में साफ लगा, देखो थोड़ा बहुत स्पॉट पड़ ही जाता है उसमें, उसको एवरी वॉश में साफ कर लेना। आधा घंटे के लिए इसको कपड़ा मार के खुला छोड़ देना आपको। अच्छा, धोने के बाद ये फिल्टर है, इसको खोलोगे आप इधर को, देखो ठीक है ना, इधर को ये खुला। अब इसमें से कपड़े का, कपड़े में जो होते ना, कपड़े के जो रेशे वगैरह होते हैं, वो सब यहाँ के मिलेंगे, कॉइन सिक्का आलपिन बाल सब यहाँ के मिलेंगे। तो जब भी आप इसमें कपड़े अंदर इंटेक करोगे, तो आपको पहले चेक करना है जेब वगैरह, ठीक है। ये एंटी क्लॉक वाइज खुल जाता है, आपने बोला कि मुझे आपको चेक करना है, ये देखो पानी आ गया। इसको खोल के आपको सफाई करना है हफ्ते में एक बार, ये दो बार कर लो। थर्माकोल निकला उसमें, टूथब्रश से इसको आप क्लीन करोगे अच्छे से, ठीक है। ओके ओके, अब देखो जो एक खांचा ये रहा और एक खांचा ये रहा, ये दोनों खांचे बने ना, देखो यहाँ पर ये दोनों खांचे बन रहे, ये दोनों खांचे आपको ऐसे लगा दो। हाँ हाँ, समझ गया हूँ मैं। क्लॉक वाइज पूरा घुमाना है, जरा सी भी आपने इसमें लूज छोड़ दिया तो पानी ऐसे लीकेज होगा, पूरा बंद कर देना है, पूरा टाइट, पूरा टाइट। ओके, ये इमरजेंसी लॉक है, जैसे आप कपड़े धो रहे हो, अभी जैसे लाइट चली गई थी, लाइट पूरे दिन के लिए चली गई, आप इसमें अंदर पानी भरा कपड़े रखो तो उसमें क्या होता है, कपड़े खराब हो जाते हैं ज्यादा देर अगर आप पानी में रखोगे तो। सबसे पहले आप यहाँ से उसको पानी बाहर निकाल लोगे सर, सारा सारा पानी बाहर निकाल लोगे। अच्छा, सर्फ भी, तो सर्फ भी वेस्ट हो जाएगा हमारा सर, अगर लाइट पूरे दिन गई तो सर, कपड़े से ज्यादा सर्फ नहीं है, पर कपड़े खराब हो गए तो ब्रांडेड कपड़े खराब हो जाएंगे। तो इसको क्या करोगे आप, पहले पानी सारा बाहर निकाल लोगे, दरवाजा फिर भी नहीं खुलेगा, अगर इसको आप प्रेस करोगे ना नीचे को, फिर खुल जाएगा। अच्छा, ये इमरजेंसी लॉक है। अच्छा, इमरजेंसी के लिए ये मशीन, इसी मॉडल में सेरेना के मॉडल पे। अच्छा, ये मैंने और मॉडल पे नहीं देखा। हाँ, सेरेना मॉडल पे दिखेंगे आपको, सेरेना ZSS, ZXS, ZSS, ZX, इसी में दिखेगा, ठीक है। ये बंद हो जाता है, पावर ऑफ यहीं से होता है, पावर ऑन यहीं से होता है, वैसे आपको मेन लाइन से बंद कर देना है। यहाँ से ऑन किया आपने,
देखो ये लाइट दिख रही है आपको यहाँ पे, देखो ये लाइट, हाँ दिख रही है, दिख रही है, ठीक है ना। इसी से पता चलेगा कि आपकी ये रोटेशन किधर जा रही है। देखो यहाँ से लेकर सर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अच्छा, इसे क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों वो कर सकते हैं ना। अभी देखो सर, सबसे पहले आ रहा है मिक्स सॉइल्ड। मिक्स सॉइल्ड में 1 2 3 4 ऑटोमेटिक, ये 1 2 3 4 सभी में स्टीम भी करके देगा। स्टीम मीन आप मार्केट के धूल मिट्टी बहुत ज्यादा कपड़ों में, कोविड का कुछ पता नहीं मैम, फिर से भी आ रहा सुनने में, तो आप लोग कोविड के जो कपड़े होते हैं बाहर जो भी आता है उनके कपड़े मिक्स सॉइल में धोगे तो ऑटोमेटिक स्टीम भी करके देगा। अच्छा, उसमें पानी की जरूरत तो नहीं है? पानी मतलब कैसे? जैसे मतलब वो पानी की जरूरत, वो पानी हमेशा अपना आप लेगा। अच्छा। वो अपना आप लेता है, बस आपको कपड़ा डालना है, लिक्विड डालना, सीधा स्टार्ट यहाँ से करना है आपको। नहीं जैसे जैसे वैसे वैसे वाले कपड़े जैसे बाहर से आए हमें खाली मेरी मदर ये बोलना चाह रही स्टीम का मतलब ऐसे खाली भाप से धुल जाएंगे? ना 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 ना, वो पूरा धुलेगा, धोएगा, खंगालेगा, सुखाएगा, लास्ट में स्टीम कर देगा। आपको थोड़ा बहुत ऐसा भी लगेगा यार मेरे कपड़े गीले क्यों है, तो इस चीज का ध्यान रखना। लास्ट में दोबारा बोल रहा हूँ, लास्ट में स्टीम कर देगा। 2000 बार के अंदर हीटर लगा, जब वो पूरा अंदर भाप बना देगा कपड़े में जो बैक्टीरिया होते हैं तो सारे खत्म कर देगा, बैक्टीरिया फ्री, ठीक है। ये कॉटन वाले कपड़े, अब देखो इसका टाइमिंग है आपका पूरा 2 घंटा और 3 kg कपड़ों का वेट है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा जैसे, हाँ मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अगर मेरे को 2 घंटा नहीं लगाना तो इसको आप इसको स्टीम दिख रहा है यहाँ से, स्टीम का ऑप्शन आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये कैसे हटेगा? लीजिए हट गया। नहीं आपने तो हटा दिया, मैं कैसे हटा? नहीं नहीं, जैसे आपने इस पे गए आपको स्टीम नहीं चाहिए, आपको स्टीम दिख रहा है, ठीक है, इसको प्रेस कर दो। देखो ये ना स्टीम बना दिख रहा है आप, हाँ, तो प्रेस कर दो, ये हट गया। देखो 1 hour 44 minutes। अच्छा ये समझ गया मैं, ये ऑटोमेटिक इसने प्रीसेट्स बने हुए हैं इसमें, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं, मेरे पास 30 मिनट है, हाँ, और मुझे 30 मिनट में जल्दी, 30 मिनट वाला ये वाला है एक्सप्रेस 15 मिनट, ठीक है। आपने बोला यार मुझे कपड़े स्टीम में धोना, तो 2 घंटा 20 मिनट में बढ़िया करके धुलेगा, खंगालेगा, सुखाएगा भी और स्टीम भी करके दे देगा। बट इस चीज का ध्यान रखना, अगर कपड़े बहुत ज्यादा गंदे, ये अभी कपड़ा अंदर बहुत ज्यादा गंदे जा रखे हैं क्योंकि वो गए थे कि जींस, तो इसको आप या तो कॉटन में धोइए या मिक्स सॉल्ट में धो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट गर्म पानी इसमें 40 डिग्री तक है, देखो 40 डिग्री गर्म पानी, सब में गर्म पानी अपना आप करेगा मेंटेन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा मेरी बात तो सुनो, जैसे ठंडे पानी में धोते हैं तो ठंडा पानी धोना आपको, वुलन तो वुलन का ऑप्शन यहाँ पर है ना, अच्छा स्पेशल वुलन दे रखे हैं, प्रोग्राम चेंज करेंगे हम, 1-2 तो धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पूरे दिन पूरे वुलन धोना है तो वुलन में केवल 30 डिग्री गर्म पानी जो हम पीते हैं ना हल्का, वो उतना ही पानी से, गर्म पानी से वो कपड़े धोएंगे। वुलन पानी कोल्ड का भी ऑप्शन है, अगर कोल्ड में करना चाहते हो, ये आगे समझ में आपको, ठीक है। मिक्स सॉल्ट में मतलब ऊपर के डेली वेयर के कपड़े, मिक्स डेली वेयर के कपड़े और ऊपर के 4 प्रोग्रामों में हमें स्टीम मिल जाएगा, स्टीम मिलेगा उसमें आपको, एक डेलिकेट, एक सिंथेटिक, एक कॉटन, सभी तरह के कपड़े वॉश होंगे, मिक्स सॉइल्ड में बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है कॉटन, देखो यहाँ पर लाइट दीजिए, कॉटन नॉर्मल। अब कॉटन नॉर्मल क्या है, 7 kg कपड़ों का वेट दिखा रहा है, 40 डिग्री गर्म पानी, 1000 RPM जब स्पीड में चलेगा, इसका भी 2 घंटा 37 मिनट टाइम है। इसका टाइम कंपनी ने वैसे ही पहले से स्टार्टिंग से बढ़ा के दी है, क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं जैसे ये डालेगा आपने जींस, ये बहुत ज्यादा गंदा है, केवल आपका 7-8 जींस ही धोना है तो कॉटन पे वॉश करना, तो आप कॉटन पे वॉश करोगे। टेम्परेचर इसके जा रहा है 40 डिग्री, फिर भी आपको लग रहा है कि यार कमीज मेरी बहुत ज्यादा मैली है, कफ एंड कॉलर बहुत ज्यादा गंदे है, तो 60 डिग्री कर सकते हो, 60 डिग्री से ऊपर नहीं जाओगे आप, ओनली फॉर कॉटन। टाइमिंग इसका 3 घंटा के आसपास रहेगा फिर। अच्छा टेम्परेचर अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ खुद से, आपने बोला कि मुझे 60 नहीं चाहिए, मुझे आप पावर कोल्ड पे धोना है, पावर 30 पे धोना है, पावर 40 में धोना है, पावर 60 में धोना है, पावर 95, ये पावर कोल्ड है, कोल्ड इसी का प्रयास करते रहना टेम्परेचर कोल्ड। अच्छा, अब ये तो बंदे को नॉलेज होना चाहिए ना कि उसे कितने कितने पे कैसे धोना है, मतलब बाय डिफॉल्ट सेट है सर 40 डिग्री होना ही चाहिए आज के टाइम पे। अच्छा। क्योंकि चाहे वुलन हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि सर जब तक कोविड नहीं जाता तो हल्के गर्म पानी में धोइए, वुलन को छोड़ के, वुलन बाय डिफॉल्ट सेट 30 डिग्री में, 40 डिग्री में भी धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो कॉटन के कपड़े। फिर आता है हाइजीन प्लस। अब जैसे घर में कोई बीमार आदमी है, ठीक है, अब उनके कपड़े घर में कोई भी नहीं पहनता, या हॉस्पिटलाइज कोई 1 साल से हॉस्पिटलाइज में है, उनके कपड़े ला के पहले आपको हाइजीन प्लस पे धोना है, हाइजीन प्लस पे धोना है। अब इसमें टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट 60 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा। पूरे बैक्टीरिया कपड़े खत्म कर देगा जो हॉस्पिटल से आते हैं,
ठीक ठीक क्योंकि वहाँ से जो कपड़े आते हैं हाँ मतलब गर्म बोलते हैं लोग कितने आते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं उनके कपड़ों में, तो उनके कपड़े आप हाई टेम्परेचर पे वॉश करोगे ठीक है। फिर आते हैं बेबी वेयर, बच्चों वाले कपड़े, बेबी वेयर छोटी छोटी बच्चे घर में उनके कपड़े आप इस पे वॉश कर सकते हो। क्रेडल वॉश, क्रेडल सॉरी कॉटन इको प्लस, सर कॉटन इको प्लस में थोड़ा बिजली थोड़ा कम लेते हैं, अच्छा टम्बलिंग ज्यादा करेगा बिजली थोड़ा कम लेगा और दो घंटे का टाइमिंग है, टेम्परेचर इसमें 40 से लेकर 60 डिग्री आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा मतलब जैसे मैंने बस टाइमिंग अगर इसने इधर वाले प्रोग्राम्स में ऑटोमेटिक सेलेक्ट करें, मेरे पास ऑप्शन केवल इधर ही है एक्सप्रेस वॉश में टाइम केवल अगर 15 मिनट का बस। अच्छा क्रेडल वॉश, क्रेडल वॉश में क्या होता है जैसे आपने जैसे मैम जी साड़ी सूट वगैरह पहनते हो अगर आप उसमें देखो नीचे ना स्टोन लगे रहते हैं वो कपड़े भी आप इसमें धो सकते हो, इसमें केवल ना हाफ टम्बल करेगा सर मशीन वगैरह से, जैसे बच्चों को नहीं हम खिलाते हाँ कॉटन वाले वो जो साड़ी होती है उसमें जिन स्टोन लग रहते चमकली चमकली। अच्छा जैसे भैया जैकेटे हैं मान लीजिए तो उसे भी हम क्रेडल वॉश कर सकते हैं, अगर उसमें ड्रायर का ऑप्शन होगा ड्रायर का तो नहीं करोगे, पीछे होता है ड्राई क्लीन ओनली, ड्राई क्लीन ओनली, अगर उसमें वॉश का स्टेप बन रहते हैं तो वो कर सकते हो ओनली फॉर क्रेडल वॉश बस। अच्छा जैसे सपोज मानिए क्या बोलते हैं मुझे उसमें ड्राई क्लीन लिखा हुआ लेकिन मुझे फिर भी धोनी है, वो आपकी जिम्मेदारी खराब हुई। हाँ हाँ वो तो है लेकिन उसको मैं क्या रेकमेंड करूंगा, क्रेडल वॉश एक बार उसमें वॉश करके देख सकते हो क्योंकि उसमें टम्बलिंग टम्बलिंग नहीं करेगा ना उसमें केवल बस ऐसे हल्का हल्का करेगा मतलब ड्राई क्लीन नहीं हो, कहने का मतलब ड्राई क्लीन नहीं करेगी ये मशीन, ड्राई क्लीन नहीं करती है, ड्राई क्लीन के कपड़े 1% इसमें आप वॉश कर सकते हो अगर उसमें वॉश का साइन बनाओगे ठीक है। फिर आते हैं रिंस प्लस स्प्रिंग, डेमो दे रहा हूँ अभी 2 मिनट में 1000 RPM है, 32 मिनट का टाइम है, 7 kg कपड़ा, अगर आपको वाइड कपड़ों में नील लगाना है तो नील आप सॉरी कपड़े इसके अंदर डालोगे वाइड कपड़े, नील यहाँ पे डालोगे बीच वाले पे, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, पहले आपको वाइट कपड़े कॉटन पे वॉश करोगे आप पूरे वाइट कपड़े से ठीक है ना, कॉटन में जब टाइम खत्म हो जाएगा फिर उसको घुमा के इसमें लेकर आओगे रिंस प्लस स्प्रिंग, देखो यहाँ पे नील बना हुआ है इस पे, देखो यहाँ पे लाइट जल गई है ठीक है ना, ये देखिए अभी तो स्टार्ट 32 मिनट का टाइम है तो उसमें वो नील भी लगा के दे देगा सर। फिर आता है स्पिन ड्राई ड्रेन, जैसे कभी आपने बाहर धो लिया हाथ से खंगाल लिया केवल आपको सुखाना है बस कपड़े इसमें डाले और ऐसे सीधे यहाँ से स्टार्ट दीजिए 15 मिनट में सूख जाएंगे, जैसे उस पे करते ना सेमी में चलो आपको सुखाना है बस इसमें भी आप कर सकते हो स्पिन ड्राइड है ठीक है सर। वुलन्स वाले आप इसमें धोगे केवल आपके वुलन्स के कपड़े बोल रहा हूँ कॉटन के मत डाल देना मैडम, वुलन्स में केवल 30 डिग्री टेम्परेचर है 800 RPM में और 50 मिनट का टाइम है इसमें, मतलब 1 घंटा मान के चल लू मैं आराम से चलिए कि बीच में और बीच जैसे एक टंबल लेंगे ना पूरा तो बीच में 1 मिनट तक स्टॉप रहती है ताकि कपड़े के लिंटे खराब ना करें। हाँ बिल्कुल वो आपकी मशीन में आते कर देती थी इसमें नहीं करेगी ठीक है ना, इस पे बिल्कुल नहीं करेगी ठीक है, तो आपको एक एक करके डालने कपड़े वुलन्स वाले ठीक है ना, नहीं तभी तो मेरी इतनी लाइफ चली क्योंकि मैंने हमेशा हिला हिला के कपड़े डाले थे उसमें और ये जैसे बाहर आ रहा है इस वजह से ये इसकी कोई दिक्कत नहीं है अभी वो अंदर हो जाएगा ठीक है। वुलन्स वाले बल्कि वेडिंग बेडशीट तौलिया चद्दर वगैरह सब आप इस पे धोओगे, कंबल कंबल नहीं कंबल नहीं धुलता, हल्के हल्के जो ब्लैंकेट टाइप का होता है कंबल वो वॉश करो कंबल नहीं, एसी वाले जैसे हाँ एसी वाले मुझे अभी आप ना ना मैं समझ गया एसी क्विल्ट वो वाली, लेकिन अगर मान लो मैंने उसे बाहर पानी में भिगो के रखा स्पिन करना हाँ इसमें डाल के इस पे लगाना पड़ेगा स्पिन ड्राइव तो अच्छा मतलब इसमें घुमाएगी नहीं वो। सिंथेटिक कपड़े ये आप लोगों के कपड़े मैडम जो सूट साड़ी वगैरह पहनते हो इसमें दोगे एक्सप्रेस 15 हल्के गंदे कपड़े समर वाले 15 मिनट का टाइम फटाफट धोके फटाफट करके ऑफिस जाने 15 मिनट का ठीक है, ज्यादातर कपड़े के लिए इसी पे वॉश होता है मिक्स ऑयल में। अच्छा ठीक है मेरे तो सर से सब कुछ कोई बात इसीलिए भी वीडियो बनाओ मैं मैडम आपको अभी एकदम से नहीं आएगा ना वो किसी को भी नहीं आता, मैंने आपको क्या बोला था आपने 20 साल चलाई मशीन तो 20 साल तो अभी 20 साल तो नहीं बोलूंगा इसमें आपको 1 महीना काफी है, ऑप्शन आपको इसमें एक ही लेना है इसमें आपको यहाँ पर खड़ा भी नहीं रहना है बस कपड़ा डाल दो ड्रायर होके से। अच्छा जैसे ये 2 घंटे चलती है तो इसमें ये जैसे उसके मुकाबले एफिशिएंसी ज्यादा मुझे तो लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करेगी मुझे देखिए 5 स्टार रेटिंग है। दूसरा बिजली का रहा आपका बिजली केवल आपका ये 2 मिनट तक इसका हीटर चलता है रिंसिंग टाइम में तो आपका 2 मिनट का समझ लो कि 1 यूनिट बिजली खर्चा हुआ
पावर स्टीम की बात करो, पावर स्टीम के लास्ट में लेते हैं, उसमें भी आपका ये एक यूनिट से कम कम बिजली लेते हैं, वो भी आपके एक सेकंड एक मिनट में इतना अंदर स्टीम बना देगा फटाफट वो, और फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, धोएगा खंगालेगा सुखाएगा, जब लास्ट में एंड जाएगा तब आप कपड़े निकाल लो। और मुझे किसी मोड में स्टीम ऑफ करना है तो मैं वहीं से ऑफ कर दूंगा। स्टीम है ना, देखो यहाँ पर स्टीम बना है, प्रेस करोगे स्टीम हट गया और दोबारा प्रेस करूंगा तो एनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के पानी में सर कैल्शियम बहुत ज्यादा है, के पानी में तो दो महीने में एक ये तीन महीने में एक केमिकल वाला पैकेट रहता है, उसका नाम है डी स्केल, पैकेट फाड़ोगे यहाँ डालोगे इसको हटा के, और सीधा मिक्स वाले में बिना कपड़ों के स्टार्ट, वो अंदर कपड़ों की गंदगी जो जाती है टब हीटर स्केलिंग वगैरह सारा साफ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे उसमें जाली होती थी तो हम निकाल के साफ करते थे, इसमें कुछ नहीं करना आपको, केवल इसमें आपको फिल्टर साफ करना है, कपड़ा मार के साफ करना है, बस दो चीजें आपने बोला मिक्स प्रोग्राम मिक्स ऑयल में करना है, साइड में दो महीने तीन महीने में डीजल का पैकेट फाड़ के यहाँ डालना है और बिना कपड़ों का स्टार्ट। ठीक है, टब वगैरह पूरा क्लीन कर देता है, और ये जो टब क्लीन का ऑप्शन है इसमें रेजिन प्लस क्लीन का आपको क्या करोगे, टब क्लीन आपको केवल एक साल में टब क्लीन पे जाओगे, जैसे आप यहाँ पे गए टब क्लीन के लिए आपको यहाँ पर लेके प्रेस होल्ड एंड टेम्परेचर 3 सेकंड के लिए, इसको आपने ऐसे प्रेस करना है, टब आगे लिखा हुआ क्लीन टब क्लीन, अब इसका देखो टेम्परेचर कितना जाना है 95 डिग्री टेम्परेचर, अगर आप 95 डिग्री टेम्परेचर में टब क्लीन का जो डी स्केल पैकेट डालोगे वो पूरा टब काला कर देता है, तो उसको आप डालना है मिक्स ऑयल में टब क्लीन, मतलब कैसे करना है 6 महीने में एक साल में टब क्लीन, देखो 95 डिग्री इसको आप कोल्ड से लेके 60 डिग्री में सीधा स्टार्ट दे दो बिना कपड़ों के, और वो बिना केमिकल पैकेट के डाले हुए वो अपना भी उसको टब पूरा साफ कर देगा, टब पूरा साफ कर देगा मैम। कोई बात नहीं, वो मैम दोबारा अगर कभी दिक्कत होगी तो मैं कॉल मुझे फोन करना, बट इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मतलब टब क्लीन आपको हमें कब करना है, मतलब आपको करना ही नहीं है, तीन महीने में केवल पैकेट फाड़ के यहाँ डालना है डी स्केल का और डायरेक्टली स्टार्ट मिक्स ऑयल में करके, ठीक है, सबसे बढ़िया। और एक बार ये और बताइए यहाँ पे क्या क्या डलेगा, ये 20 ml का ढक्कन है, दो कैप डालोगे इतने कपड़ों में 40 ml बस, अच्छा, दो ढक्कन बस, और इसके साथ आपको एक तो सेफ वॉश मत लेके आना मार्केट से, इजी नहीं लगेगा, इसके साथ वुलंस भी आप इससे वॉश कर लीजिए, कंफर्ट कंफर्ट भी नहीं डालना, खुशबू के लिए अभी आप जब धोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा। कपड़ों में भी ऐसी आएगी, कोई ना, ठीक है, अभी तो पता भी नहीं चल रहा मुझे, ठीक है, स्टीम लेना है नहीं लेना, हाँ। तो अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप बताइए, मेरे साथ सर बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि सर अगर कपड़े में ज्यादा गंदे हैं तो सर स्टीम पे वॉश कर लीजिए, इनका है टेम्परेचर का वो सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं मैम, मैं तो एक ही दिन का है वैसे तो, अब ये 2 घंटे तक खुलेंगे, हाँ। शाम के 4 बज जाएंगे, हटा दूं, बताइए, हटा दो अभी, हटा दूं, आई सर देखिए पावर ऑफ किया, पावर ऑन के देखो यहाँ पर स्टीम का बटन दिख रहा है, स्टीम यानी गर्म पानी, अच्छे वॉश के लिए, ठीक है, स्टीम मर गया, अब देखो उसका टाइम कितना आएगा, 1 hour 40 minutes, अब मैं इसका प्री वॉश कर रहा हूँ सर, ठीक है सर, प्री वॉश आपको लेना पड़ेगा 1 hour 51 minutes, क्योंकि प्री वॉश में ना आपका पहला जो यहाँ से पानी जाएगा ना अंदर कपड़ा अच्छे से वॉश कर देगा, फिर मैंने वॉश कर देगा। अब जैसे मान लीजिए इस समय शाम हो गई, अब 1 घंटे बाद हम धुल के मिलेंगे, घड़ी की उससे नहीं चलता है, ये मशीन का टाइमिंग है, पानी का सही मिल रहा प्रेशर, तो फटाफट वॉश करके आपको दे देंगे। ना वो तो मैं समझ गया, आप जैसे आप तो चले जाओगे, बिल्कुल सर, यही था एक वीडियो, हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था उस समय, और 2-3 बार मुझे समझना पड़ा इसे देखने के लिए, और पहली बार में बहुत सकपकाहट हो रही थी मुझे कि क्या हो रहा है ये, तो बस यही था, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो भी मतलब मशीन इन फ्यूचर कभी कोई देखेगा लेगा तो शायद हेल्प कर जाए, तो बस यही है, तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।